वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। आज मैं प्रवीण और मेरे साथ है एक स्पेशल एक्सयूवी। ये है एक्सयूवी का AX7L वेरिएंट और उससे स्पेशल बात ये है कि ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है और उससे भी स्पेशल बात ये है कि ये वन ऑफ द फर्स्ट एक्सयूवी 700 थी इंडिया की और उससे भी स्पेशल बात ये है कि हमारे साथ हैं सिद्धार्थ भैया जिनकी ये कार है। सो हाउ आर यू भैया, कैसे लगा? गुड, वेरी गुड प्रवीण। जस्ट डूइंग दिस ट्रिप एंड it's my last day today in Lucknow with you today, so I'll be going back home after almost 16-17 days of driving XUV 700 and it has been a great experience. और overall इस journey में भैया क्या था, कुछ highlights आप बताएंगे, कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या आपने cover किया? Journey जो है देहरादून से start कर ली। Technically the name of this drive is Motu Power Drive, it's a Indo-Bhutan edition. So considerably Bhutan जो है 2 के लिए पहले बंद कर दिया था COVID के बाद, अब September में ही last year open हुआ है। तो हम लोगों ने प्लान किया था, तो एक्चुअली एक हमारा इवेंट होता है बाइकर्स का, राइडर मेनिया, बॉब एमसी राइडर मेनिया, तो वो शिलोंग में था इस साल, तो वो अटेंड करना था। तो उसी के साथ साथ हम लोगों ने प्लान किया कि वी स्टार्टेड फ्रॉम देहरादून ऑन 14th वी स्टेड इन गोरखपुर, 14th वी स्टेड इन गोरखपुर, 15th वी वेंट टू सिलीगुड़ी एंड 16th ड्यूरिंग द लंच टाइम वी एंटर्ड भूटान। तो आफ्टर दैट वी स्पेंड 4 days ब्यूटीफुल कंट्री सर, सस्टेनेबल एंड कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई पॉपुलेशन नहीं, बहुत साफ सुथरा एकदम, बहुत ही मज़ा आ गया। बट हाँ, ये जरूर है विद द टाइम इट हैज गॉट रियली एक्सपेंसिव, द नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स टू टेक योर व्हीकल इनसाइड टू भूटान इज रियली टफ। उसके लिए क्या कुछ स्पेशल हमें पासेस की जरूरत पड़ेगी, क्या प्रोसीजर रहता है, आप थोड़ा बता सकते हैं? जैसे अगर आपको जितने भी व्हीकल में लोग हैं वो भी इंडिविजुअली फ्लाई करते हुए जा रहे हैं, जितने भी दिन के लिए आप जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1200 वो हो जाएगा विद नंबर ऑफ पर्सन फॉर द व्हीकल। इफ एनी इंडियन व्हीकल विच गोज टू भूटान हैज टू पे 4500 रुपीज पर डे, प्लस यू हैव टू कैरी अ गाइड विद यू एवरी डे। इफ यू हैव अ डे 5-day ट्रिप सो यू नीड अ गाइड परमानेंटली विद यू फॉर 5 days, तो वो आपको अलग से 2-2.5 हज़ार रुपये पर डे चार्ज करेंगे, तो कंसिडरेबली वाला। और उसके अलावा वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी भी फीस बहुत बढ़ा दी है। सो जो पहले भूटान घूमना बहुत सस्ता होता था, बहुत सस्ता वो नहीं इतना, मतलब एक कंसिडरेबली एक डिसेंट अमाउंट पे होता था, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है आफ्टर कोविड। और इस ट्रिप में मैं पूछूं तो XUV 700 इंडियन कार ऑफ द ईयर 2022, तो आपने ये कैसे निकाला कि मैं ये लेता हूँ, स्कॉर्पियो एन क्यों नहीं या फिर कोई और गाड़ी क्यों नहीं? ऑनेस्टली इफ आई से कि जिस समय मैंने गाड़ी चेंज करी थी, आई हैड अ ओल्ड जेन फॉर्च्यूनर बिफोर दिस टाइप 2, तो उसके बाद फिर मुझे चेंज करनी थी, मुझे लेनी थी एंडेवर, आई हैड बुक्ड एंडेवर दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट्स अ वेरी सैड न्यूज दैट फोर्ड वेंट। सो एंडेवर बहुत अच्छी गाड़ी थी, बहुत केपेबल थी, मुझे आज भी बहुत पसंद है, पर वो फोर्ड चली गई थी। तो मैं उस फोर्ड ने जरूर ये कहा है, आज भी कमिटेड टू सर्व वो बोलते हैं और अच्छे से सर्विसेज दे रहे हैं, पर मेरे मन में एक डाउट था कि नहीं, अगर ये एंडेवर ले लेता हूँ अभी, मतलब मुझे डिस्काउंट भी मिल रही थी क्योंकि मेरी बुकिंग थी ऑलरेडी डीलरशिप के पास, तो डिस्काउंट भी मिल रही थी, बट ऐसा लग रहा था कि ले लेता हूँ 5 के लिए, तो उन्होंने बोल दिया 6 साल ये भाग जाएंगे, तो ना तो रीसेल मिलेगी और पार्ट्स के लिए कहीं परेशान ना रहूँ। और ये एक हिस्ट्री में हमने देखा भी इतने सालों से गाड़ी चलाते हुए कि अमेरिकन कार्स में का बुढ़ापा थोड़ा मुश्किल होता ही है, तो तब उस समय XUV 700 लॉन्च हुई थी। बट मेरे साथ मुझे मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट 3 की हमेशा होती है, मतलब एक ओवरलैंडिंग गाड़ी जब चाहिए हो, या मतलब फॉर माई प्राइमरी व्हीकल दैट इज ऑटोमेटिक 4x4 और ऑन व्हील ड्राइव एंड सनरूफ, ये 3 मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए थी। पैनोरामिक सनरूफ भी चाहिए थी क्योंकि हिल्स में जब भी जाओ, और आपके साथ हम जैसे हम इस जर्नी में 6 थे, 6 में नहीं थे, कभी 4 थे, कभी 3 थे, कभी 2 थे, करते करते ऐसे जोड़ घटा के 6 ट्रैवलर्स थे हम लोग। अब जो लोग पीछे बैठे होते हैं अगर पैनोरामिक सनरूफ नहीं है तो उनके लिए व्यू बड़ा तो मतलब इतना बढ़िया नहीं होता है, और क्या होता है कि व्हेन यू ट्रैवल विद बॉयज एवरीवन वांट्स टू सिट इन द फ्रंट सीट, अगर आपका पैनोरामिक सनरूफ है तो इससे बेनिफिट हो जाता है कि अगर सनरूफ आप खोल दीजिएगा तो आगे सब कुछ दिखता है तो पीछे वालों को भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है। ऑटोमेटिक मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है क्योंकि अब विद द सिटी एंड डे टू डे ट्रैफिक आई डोंट रन दिस मच ऑन द सिटीज, बट हाँ जाना तो होता ही है ना, तो अगर सिटी में कहीं भी चल रहा है तो मैं मैनुअल थोड़ा सा प्रेफर कम करता हूँ बिकॉज ट्रैफिक इतना हो गया है। और मैं कॉमनली एक बात आए दिन बोलता हूँ कि आप आज 1-2 लाख रुपए की महंगी ऑटोमेटिक ले लें और बाद में घुटना तो 10-20 लाख का चेंज होगा, और चेंज होगा तो चेंज कराने में भी दर्द होगा। सो उस समय यही एक ऑप्शन था मेरे पास जिसमें ऑटोमेटिक था, ऑल व्हील ड्राइव था,
ये जरूर है, वेटिंग पीरियड बहुत लंबा था, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके गाड़ी मिली थी उस समय, और लेते ही मैंने सबसे पहला ट्रिप एक इसमें करा था, वो भी क्लोजली 5000 किलोमीटर प्लस ही था। आई वेंट टू गोवा वाया हैदराबाद एंड केम बैक वाया शिरडी। आई बॉट द व्हीकल इन फरवरी लास्ट ईयर, उसके बाद मार्च में ये वाला ट्रिप करा था सबसे पहला मैंने लास्ट ईयर। और अभी ये कितने किलोमीटर्स क्लॉक कर लिए? 30,000 समथिंग है अभी, घर पहुँचते पहुँचते 30,000 हो जाएगी। और इसमें कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ देखोगे तो रडार मिल जाता है, फ्रंट कैमरा मिल जाता है, तो इस ट्रिप पे एडास का यूज़ कैसा रहा? 360 डिग्री कैमरा कितना हेल्पफुल था आपके लिए? 360 इज मतलब जैसे कहते हैं ना, इट्स अ ड्रग, अगर आपको उसकी आदत पड़ जाए तो आप गाड़ी दूसरी नहीं चला पाते हैं। मैं मतलब दूसरी गाड़ी में घर में मेरे पास और गाड़ी में आया हूँ ना होंडा सिटी, इसके अलावा आया हूँ ना निसान माइक्रा सीवीटी ऑटोमेटिक, आया हूँ ना महिंद्रा, तो बस ये सब गाड़ियों में जब भी मैं होता हूँ और चला रहा होता हूँ, कार में तो थोड़ा डर नहीं लगता है, नहीं मतलब लड़ेगी भी तो क्या कुछ बिगड़ता नहीं है, पर बाकी गाड़ियों में बहुत डर लगता है। 360 इज रियली अ ब्लिस, एंड मतलब एक बार इसकी आदत पड़ जाए तो मतलब, और मैं इसके लिए ये नहीं कहूँगा कि 360 पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मुझे देखना आज तक भी नहीं आया अच्छे से ऑनेस्टली मैं बताऊँ, पर फ्रंट और बैक दोनों में ही बहुत एक कॉन्फिडेंस है, और कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, लैग नहीं है, तो मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है कैमरा से। ऑल व्हील ड्राइव का भैया इस पूरे ट्रिप में कितना इम्पैक्ट था? अगर मैं बोलूँ कोई फ्रंट व्हील ड्राइव लेकर जाना चाहता है या रियर व्हील ड्राइव लेकर जाना चाहता है स्कॉर्पियो एन जैसी कार, ऑल व्हील ड्राइव ने आपको कैसा हेल्प किया? स्पेसिफिक इस ट्रिप पे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं था, बट हाँ अगर स्नो होती भूटान में, क्योंकि भूटान में टेम्परेचर वॉज डिपिंग अप टू -5 -7 एवरी डे, बट बर्फ़ नहीं पड़ रही थी, अगर बर्फ़ पड़ती तो ऑल व्हील ड्राइव डेफिनेटली वुड हैव हेल्प्ड। सेकेंड थिंग, अगर मैं सेक्शन वाइज रेट करूँ कि कौन सी गाड़ी आपकी कितनी हेल्प कर सकती है, तो हाँ ऑल व्हील या फोर व्हील सबसे ज़्यादा करती है, उसके बाद रियर व्हील और उसके बाद फ्रंट व्हील, क्योंकि फ्रंट व्हील तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इट्स नॉट अ प्रॉपर एसयूवी ओनली, क्योंकि वो आपको नहीं पुश कर पाती इन क्लाइंट्स पे, बट हाँ रियर व्हील भी जा सकती है और ऑल व्हील भी जा सकती है। ऑल व्हील मैंने और काफ़ी जगहों पर यूज़ करा है, ऑफ रोडिंग में यूज़ करा है, गोवा में यूज़ करा था एक दो बार ऑफ रोडिंग में सैंड में, और राजस्थान हम स्पेशल एक ड्राइव बना के गए थे ऑफ रोडिंग करने के लिए ड्यून्स पे, वहाँ यूज़ करा था, बट हाँ फॉर दिस ड्राइव स्पेशली जो हमने इस बार करी है, जिसमें हमने भूटान कवर करा है, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर करा है, मेघालय गए हैं, आसाम गए हैं, वेस्ट बंगाल में थे, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कोई टू व्हील गाड़ी भी बड़े आराम से लेके जाके ट्रिप कर सकता है ये वाला, अनटिल एंड अनलेस इट डजंट स्नो इन भूटान। ओके, और ऑटो बूस्टर हेडलैम्प कोई नॉर्मल हेडलैम्प से कितना यूजफुल है, कितना फंक्शनल है आपका? एनी डे मतलब, पर हाँ एक एड ऑन मेरा इसमें है कि ऑटो, एक तो इसकी हेडलाइट अपने आप में ही बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है, एकदम चांदना कर देती है, मतलब चश्मे जनरली मैं, क्योंकि आई वेयर स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स वालों को लाइफ टाइम ही रात को चलाने में दिक्कत होती है, देखो ये बात मान मतलब ऑनेस्टली मानने वाली है, बट इसकी हेडलाइट बहुत अच्छी है, बहुत हेल्प करती है, ऑटो बूस्ट बहुत अच्छी चीज़ है, बट हाँ एक चीज़ अगर इसमें छोटा सा ऐसा कर देते कि ऑटो बूस्ट को कंट्रोल करने का भी ऑप्शन होता तो वो बेटर रहता, क्योंकि मैंने इस बार ऐसा एक्सपीरियंस करा है फॉग में, कई बार फॉग ऐसा होता है कि जिसमें आप 80 से ऊपर भी चल पाते हो, विजिबिलिटी होती है, पर क्या होता है कि ऑटो बूस्ट जैसे ही ऑन होता है ना, तो इसकी ऑटो बूस्ट एकदम ऐसे आके मारता है सामने, तो वो फॉग में थोड़ा सा दिक्कत करता है, अगर उसका कंट्रोल होता कि वो ऑफ़ करने को मिल जाता तो शायद फॉग में और ज़्यादा अच्छी चल पाती, कि कभी ऑफ़ करने का भी ऑप्शन मिल जाए, बाकी ऑन जब होता तब तो नॉर्मल आइडियल कंडीशंस में बहुत बढ़िया है। और फॉग में आपने एडास यूज़ किया है, मैंने देखा है वीडियोज़ में काफ़ी हेल्पफुल होता है, पहले ही बता देता है जो कि आँख को नहीं दिखता, तो आपने कितना यूज़ किया उसे कभी? मैंने शायद उसे 5% भी यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि मतलब जो भी कहो टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी आ जाए, पर जो कॉन्फिडेंस खुद चलाने में आता है वो खुद ही आता है। हाँ। तो मतलब आज तो देखो थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप हैं, बहुत सालों से रोड ट्रिपिंग कर रहे हैं, आज पहली बार नहीं है, कई लाखों किलोमीटर गाड़ी चला दी है, तो आज भी ऐसा लगता है कि जो अपने हाथ पे चलाने में कॉन्फिडेंस आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा है। शायद ही मैं मतलब मेरा एडास ऑफ कभी नहीं होता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग हमेशा ऑन है ऑल टाइम, मतलब कभी भी बंद नहीं करी है, बट हाँ ये ज़रूर है कि मैंने खुद पर्सनली बहुत कम यूज़ करता हूँ, कभी ऐसे एक्सप्रेसवे पे आ गए लगा दिया छोड़ दिया तब बात अलग है, खाली वो भी सिर्फ देखने के लिए कि कैसे चलता है, मैं बहुत ज़्यादा उसका यूज़ नहीं ले पा रहा हूँ, बट हाँ है तो है अच्छे फीचर। और एडास में लोग कहते हैं कि जो ब्रेक पैड्स हैं जल्दी चले जाते हैं, ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? दोनों चीज़ें एडास और ऑटो होल्ड मेरा हमेशा ऑन रहा है, इमरजेंसी ब्रेकिंग हमेशा ऑन रही है, 24,000 किलोमीटर पर मैंने ब्रेक पैड चेंज कराए थे अभी इस ट्रिप पर आने से पहले, और अगर मैं लोकल चल रहा होता तो 100% मैं अभी चेंज ना कराता, क्योंकि उसमें थिकनेस थी अभी भी, और इतनी थिकनेस थी कि कम से कम 4-5 हज़ार किलोमीटर और चलती, पर मुझे रास्ते में कहीं होल्ड नहीं होना था, मैंने चेंज करा लिए हैं,
पुराने ब्रेक पैड मेरे पास रखे हुए हैं घर जाके, मैं दोबारा उनको लगा लूँगा और दोबारा लगा के सिर्फ इसलिए चेक करना चाह रहा हूँ, इसलिए संभाल के रखें कि 24 तो मैं रन कर चुका हूँ ऑलरेडी, अब और कितना चल सकते थे, बिकॉज ब्रेक पैड के इश्यूज़ बहुत लोगों से आ रहे हैं और हम व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हैं तो लोग बड़ा इस तरह से इशू बनाते हैं उस बात का। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी एक बार ट्राई करके देखूँ, प्रूव करूँ कि हाँ चलते कितने हैं, और इतनी मेरे हिसाब से अगर वो 5-6 हज़ार और चलते हैं तो 30,000 हो जाते हैं, और इतनी हैवी और इतनी परफॉर्मेंस कार के लेकर 30,000 ब्रेक पैड चल रहे हैं 30,000 किलोमीटर, तो दैट्स फेयर इनफ। और 30,000 किलोमीटर्स में जो सर्विस कॉस्ट था वो लमसम मैं पूछूंगा कितना रहा, अंडर 10 रहा क्या? सारी सर्विसेज अंडर 10 ही रही, मतलब ब्रेक पैड अलग से कराया क्योंकि अगर ब्रेक पैड सर्विस के साथ होते तो वो बियॉन्ड चला जाता, सेफर साइड के लेकर आए हैं, और बाकी मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई हैवी सर्विस इंपैक्ट है, पार्ट्स ठीक हैं, चीप हैं, बढ़िया है, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो और मैंने आपकी एक स्टोरी देखी थी इंस्टाग्राम पे, मोटुल पे सर्विस सेंटर पे आप थे भूटान में, हाँ जी, तो हाउ मोटुल हेल्प्ड यू इन दिस जर्नी? मोटुल हैज बीन अ कांस्टेंट कंपेनियन पूरे टाइम, मोटुल ही दिस ड्राइव एज यू सी इन द नेम आल्सो, इट इज मोटुल पावर ड्राइव इंडो भूटान एडिशन, सो द मोटुल हैज जस्ट स्टार्टेड दिस न्यू कंसेप्ट ऑफ पावर ड्राइव, तो ये पहला एडिशन है जिसमें हम इंडो भूटान कर रहे हैं, मे बी इन फ्यूचर हम और ड्राइव्स करेंगे मोटुल के साथ, तो दिस इज कंसिडरेबली अ ड्राइव विच इज़ बीन सपोर्टेड बाय मोटुल, हम मोटुल की वर्कशॉप विजिट कर रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं हाउ मोटुल इज़ ग्रोइंग, और मैं एक बात बताऊंगा मोटुल के बारे में कि मोटुल का जो है कस्टमर बेस शायद बहुत बड़ा नहीं होगा, बट बहुत नीश है, नीश इसलिए है क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट है, वन टाइम अगर आप कभी भी यूज़ करेंगे तो मतलब डेफिनेटली ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ मोटुल इज़ अ ब्रिलियंट फैंटास्टिक प्रोडक्ट आई वुड से। अभी हम एक बहुत नया इनका कार स्प्रे लॉन्च हुआ है कार केयर में, अभी लॉन्च होना है विच वी आर यूजिंग इन दिस कार, तो ओवरलैंडिंग ट्रिप्स पे क्या होता है आप खाना उसी में खाते हैं गाड़ी में ही, और सब कुछ पानी वहीं पी रहे हैं, कचरा गिर भी रहा है, चिप्स भी गिर रहे हैं, खाने की फाउल स्मेल भी है, तो क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद गाड़ी बड़ी बुरी लगने साउंड, और जितने भी परफ्यूम्स हमारे यहाँ आते हैं बहुत फ्रूटी हैं, तो जो मोटुल का ये नया आया है मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जैसे ये लॉन्च होगा एवरी वन शुड वंस ट्राई, आई कैन वाउच ऑन इट, उसके बाद आप रिपीट करोगे ही करोगे, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। तो ये वो स्प्रे है जिसकी भैया बात कर रहे थे जो कि केबिन को न्यूट्रलाइज कर देता है, ये इसे दैट्स हाउ इट राइट्स आल्सो ओडो न्यूट्रलाइजर, और ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, मतलब आई वुड से कि हम तो इतनी बार खाना खा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, क्योंकि अब आप ट्रिप्स पे हो तो कई बार नहीं रुकने का होता, गाड़ी में ही खा रहे हैं फटाफट कर रहे हैं, कुछ हम रेडी टू ईट खा रहे हैं, कप नूडल्स खा रहे हैं गाड़ी में ही, तो गाड़ी में बहुत स्मेल हो जाती है और बैठने का भी जी नहीं करता है, बस मतलब दो स्प्रे तो बहुत बड़ी बात होगी, एक स्प्रे ही मार दो, एसी चल रहा हो तो एक स्प्रे और एसी ना चल रहा हो तो दो स्प्रे, और कैबिन ऐसा एकदम बढ़िया कर देती है, मज़ा आ जाता है। मैं श्योरली इसे यूज़ करूँगा और ऑटो जनरल इंडिया फैमिली को भी रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा, एक नया प्रोडक्ट है और आपकी कार के लिए एक परफेक्ट रहेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन केबिन का जो फर्स्ट डे कार आती है वैसा स्मेल आप हमेशा चाहते हो कि हमेशा आए, और क्या होता है कि जितने परफ्यूम्स आ रहे हैं वो सारे बड़े फ्रूटी होते हैं, तो वो थोड़ी देर तो बहुत अच्छे लगते हैं, 5-10 मिनट बाद क्या होता है कि वो उसकी स्मेल और वो फाउल स्मेल पुरानी खाने वाने की जो है, जब तक गाड़ी प्रॉपर वॉश ना हो, कुछ ना हो, तब धूप में ना खड़ी हो, कुछ इस तरह से क्लीनिंग डिटेलिंग ना हुई हो, तो क्या होता है वो फाउल स्मेल तो दोबारा आएगी आएगी, और उसके साथ वो फ्रूटी स्मेल मिक्स करके एक बड़ा गंदी सी स्मेल हो जाती है, ये क्या है न्यूट्रलाइज कर देता है, तो ना तो फ्रूटी एसेंस आता है और वो पुराने वाली जो फाउल स्मेल है उसे भी डाउन कर देता है। साइड में भी बात करूँ स्पीकर को, मुझे पर्सनली मैं चाहूँगा कि हमेशा मेरी कार पर रहे अगर फ्यूचर में, और स्पीकर के बारे में ये स्टिकर मोटुल टीम ने डिज़ाइन करा था, दे वांटेड कि कार शुड लुक सब डायनेमिक उसका वो आए, और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, क्रिएटिव है, गाड़ी इसमें बनी हुई है, पहाड़ बने हुए हैं, इंडो भूटान एडिशन मेंशनड है, एंड द ड्राइव का नाम जो है पावर ड्राइव मेंशनड है, और साइड प्रोफाइल में जिस तरह से इन्होंने दी है डेफिनेटली ये एक हेड टर्नर है, मतलब नॉर्मली मैं कहूँगा कि कोई भी ब्रांडिंग स्टिकर होता है कुछ होता है तो कई बार वो फाउल लगते हैं, पर ये इतना खूबसूरत लग रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि दिस लुक्स लाइक अ यू नो स्पेशल एडिशन ऑफ XUV 700। और यहाँ पर आपको महिंद्रा एडवेंचर का जिससे भैया एसोसिएटेड और काफ़ी सारे ही एडवेंचर करते हैं, जब लोग XUV की वेटिंग लिस्ट में थे तब तक इन्होंने अपने ऑफ रोड इवेंट्स कर चुके थे, वेटिंग टेस्ट वगैरह इस XUV के साथ सब कुछ कर चुके थे, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छा है अभी तक, तो मैं ऑल व्हील आपने पहले भी पोस्ट वोस्ट देखी हैं, पानी से भी हम निकले हैं, सैंड से भी हम गए हैं, तो जितना ऑल व्हील की कैपेबिलिटी है उतने में बहुत अच्छी सक्षम है, और ऑल व्हील फोर व्हील में हमेशा फ़र्क रहेगा, बट हाँ ऑल व्हील के हिसाब से बहुत बढ़िया काम करता है ऑल व्हील इसका। काफ़ी सारे स्टिकर्स है और मैं वन बाई वन थोड़ा सा ये थार मोटर स्पोर्ट्स है, थार मोटर स्पोर्ट्स इज़ अ
ऑफ रोडिंग मोटर स्पोर्ट्स ग्रुप इन राजस्थान, बेस्ड इन राजस्थान। हमारे बड़े भाई हैं राज सिंह राठौर, वो रन करते हैं, एक्सपीडिशंस रन करते हैं और कार रैलीज करते हैं। तो ये उनका स्टिकर है, थार मोटर स्पोर्ट्स इज लाइक अ फैमिली टू अस। ये वॉन्डरर्स है जो मेरा बाइकिंग ग्रुप है, इट्स अ 21 ईयर्स ओल्ड ग्रुप नाउ, 20th एनिवर्सरी का इसका स्टिकर लगा हुआ है। इसका देहरादून चैप्टर मैं रन करता हूँ, बाइकिंग ट्रिप्स हम इससे ऑर्गेनाइज करते हैं और जाते हैं, पैशनेट पीपल, लाइक माइंडेड पीपल साथ में जुड़े हुए हैं। ये एक ट्रिप था आदि कैलाश एक्सपीडिशन 2022। ये फ्लैश फ्लड आने की वजह से हम आदि कैलाश नहीं कर पाए थे 2022 में, सो आई हैव कैप्ट दिस स्टिकर हेयर। अभी इसलिए रखा है कि 2023 में करेंगे, तब ये जाके 2023 वाला स्टिकर इसमें लगाया जाए, तो क्या है इससे मोटिवेशन बनी रहती है कि ये करना है, अभी पेंडिंग है। ये SUV क्लब ऑफ इंडिया, हमारा जो एक क्लब है जो कि जिसमें सारे SUVs हैं, तो ये उसका एक स्टिकर है। उसके बाद यहाँ पे आए इवेंट स्क्रीन पे, तो विनियन लिखा हुआ, आई एम अ विनियन, मतलब इट्स अ मेरे स्कूल के जो एलमनाई कनेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, मतलब हम लोग बहुत अच्छे से एलमनाई सब मिलते हैं, एलमनाई मीट्स होती है। तो हमारे स्कूल का टर्म जो ओल्ड बॉयज़ का टर्म है वो नाम है विनियन, और इधर मेरे स्कूल का लोगो आ गया, विद्या निकेतन बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, आई स्टडीड फ्रॉम देयर, सो आई हैव अ कनेक्ट विद दैट स्कूल। सो क्या होता है कई बार कॉमनली कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं, कोई स्कूल के लोग होते हैं, मिल जाते हैं तो देख के रोक लेते हैं, मिल लेते हैं। बहुत सीनियर्स भी होते हैं, बहुत जूनियर्स भी होते हैं, बट द स्कूल हैज़ इट्स ओन लेगेसी फ्रॉम इंडिपेंडेंस ओनली। तो कई बार कोई 70s बैच का पास आउट भाई साहब होते हैं, वो मिल जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। कमिंग डाउन, ये डिटेलिंग डेवल्स का है, द ब्रांड हु टेक्स केयर एंड पैम्पर माई कार आफ्टर ऑल द ट्रिप्स एंड इवन लोकली ऑल्सो। तो ट्रिप्स पे क्या होता है, गाड़ी बहुत गंदी होती है अंदर बाहर से, इसका इंटीरियर भी वाइट है, तो मेंटेन करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, बट डिटेलिंग डेवल्स मेक श्योर कि ये गाड़ी बिल्कुल अच्छे से पैम्पर करके दोबारा से इसके सोल मार्क्स वगैरह सब निकाल देते हैं और इस कलर को मेंटेन करने में मुझे हेल्प करते हैं। और अंदर से वाइट और बाहर से ब्लैक सबसे टफ कॉम्बिनेशन है मेंटेन करना, लेकिन थैंक्स टू डिटेलिंग डेवल्स जिन्होंने ये काम करके दिखाया है, मेंटेन रखा है। कमिंग बैक हेयर, ये 4x4 इंडिया है विच इज़ द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ 4x4 का व्हीकल्स इन इंडिया। दिस इज़ रेड द हिमालय विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट मोटर स्पोर्ट्स इवेंट विच यूज टू हैपन। फिलहाल अभी बंद हो गया है, बट मे बी इट स्टार्ट अगेन। एंड कमिंग बैक हेयर एकदम लास्ट में, इधर राइट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट दिस इज़ ऑटो जर्नल इंडिया हु आर कनेक्टेड विद अस फॉर दिस जर्नी एंड ऑलवेज। और ये कार भूटान, ऑलमोस्ट बांग्लादेश और कई सारे जगहों से गई, तो सब लोगों ने इसको कैसा रिस्पॉन्स दिया भैया? मतलब इट वॉज़ अ हेड टर्नर फॉर एवरी वन, डेफिनेटली। ये इकलौती शायद SUV है जो इंडिया से नेपाल भी गई है ड्राइव होके, इंडिया से भूटान भी गई है ड्राइव होके और बांग्लादेश बॉर्डर तक भी गई है। तो क्या होता है कि जनरली ऐसी SUVs बहुत या मेरे ख्याल जब मैं गया था नेपाल तो सब शायद कोई और SUV नहीं गई थी लास्ट ईयर अप्रैल में। इस साल जब अभी मैं भूटान गया वहाँ भी हेड टर्नर था, लोगों को पता भी नहीं था ये कौन सी गाड़ी है। तो डेफिनेटली क्या होता है कि आप इस तरह से ट्रिप करेंगे तो लोगों को पता भी लगता है, और आई एम नॉट क्लेमिंग इट कि हाँ हो सकता है और भी लोग गए होंगे, बट आई थिंक सो कि लास्ट ईयर अप्रैल में जब मैं नेपाल गया था दैट टाइम इट वाज़ द फर्स्ट SUV विच एंटर्ड इनटू नेपाल, एंड नाउ व्हेन आई वेंट टू भूटान मे बी दिस इज़ द फर्स्ट XUV 700 विच वेंट टू भूटान एज वेल। और उसके साथ साथ मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट के भी काफ़ी स्टेट करे हैं, आसाम गए हैं, मेघालय गए और वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी गए, और मतलब ये पूरी जर्नी इज लॉन्ग जर्नी, इट हैज कवर्ड ऑलमोस्ट 7-8-10 स्टेट्स, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर्स की जर्नी है। और ये रियर डोर जो था भैया फाइबर का था, स्टार्टिंग में कई सारे सवाल उठे, तो आप पर कुछ फर्क पड़ा इससे फाइबर? नहीं, मुझे मतलब मुझे कोई कुश्ती थोड़ी ना करनी है इसके साथ, 5-star रेटिंग NCAP ने दे दिया है तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ तक बात है रियर टेलगेट की, मतलब किसी भी चीज़ का बना हो जब तक बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है, बंद करने खोल करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, अगर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक होती तो और अच्छा लगता। और एक बार फुल स्पेस को थोड़ा सा देख लेते हैं जैसा है कैसे। अभी तो बहुत मेसी है, क्या होता है कि जब आप ट्रिप पर जा रहे हैं इतने सारे लोग हैं तो सामान भी बहुत होता है, और अब क्या है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होता है जनरली मेरी बूट, पर आज क्या है लास्ट डे ऑफ द ट्रिप है, तो सुबह ऐसा लग रहा था बस घर जाना है, फटाफट सामान भरो अंदर और निकल जाओ। क्योंकि क्या होता है कि हम वैसे भी जनरली क्या होता है जब मैं ट्रिप्स पर जाता हूँ ना, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ की लोकली प्रोक्योर करता रहता हूँ, वो शॉपिंग भी यहाँ पड़ी है, ये बैम्बूज का सामान पड़ा है जो मेघालय में मिलता है, और फ्रूट्स हैं कुछ, दार्जिलिंग की चाय है, तो कुछ कुछ सामान बढ़ता ही रहता है। आपके लखनऊ आए तो लखनऊ से लड्डू ले गए, तो कुछ ना कुछ ऐसे बढ़ता ही रहता है। तो बूट स्पेस आपको सफिशिएंट लगा, कम तो नहीं है? बूट स्पेस अच्छा है, सफिशिएंट है। एक बहुत मेजर कमी कि बूट स्पेस इसे थर्ड रो में लाइट नहीं है, विच इज़ रियली रॉन्ग। मतलब थर्ड रो में लाइट होना बहुत ज़रूरी है, हमें जब भी कभी रात को सामान निकालना हो, कुछ निकालना हो, एक आदमी को टॉर्च लेके लगना पड़ता है, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब कि थर्ड रो में लाइट डेफिनेटली ब्रांड की तरफ से होनी चाहिए थी। सो
अभी तक का भैया का जो एक्सपीरियंस था एक्सयूवी 700 के साथ, एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो बायर्स हैं जो अभी लाइन में है भैया वेटिंग लिस्ट में, उनको अभी रुकना चाहिए या फिर और कोई ऑप्शन, जैसे इसका खुद का कॉम्पिटिटर स्कॉर्पियो है, घर का बेदी लंका ढाई वाली बात है, तो उसके लिए चले जाना? मैं नहीं कहूँगा घर का बेदी लंका ढाई, इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि दोनों में प्रोडक्ट्स में फ़र्क है। वो लैडर ऑन फ्रेम चेसी पे है, ये मोनोक्यू है, तो दिस विल बी मोर कंफर्टेबल टू सिट इन, मोर कंफर्टेबल टू ड्राइव इन। बट हाँ, जो रगेडनेस है, जो ऊंचा रहने का है, जो एक आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि कच्चे में से उतार के ओवरटेक कर लेता हूँ, कच्चे रस्तों में चल लेता हूँ, वो एक लैडर ऑन फ्रेम जो स्कॉर्पियो में मिलेगा वो इसमें नहीं मिलेगा। प्लस अगर हम 4x4 और ऑल व्हील की बात करें तो स्कॉर्पियो कम्स विद अ प्रॉपर 4x4 सिस्टम एंड एक्सयूवी कम्स विद अ ऑल व्हील सिस्टम। पर हाँ, अगर किसी को मिक्स ऑफ वो चाहिए कि सेडान भी चलाने का मन करता है और एसयूवी भी चलाने का मन करता है, तो उस सेक्शन में बहुत अच्छी है क्योंकि आपको एक अंदर बैठ के ऐसी प्लश फीलिंग देगा, इतना कंफर्टेबल फील कराएगा कि आप एक सेडान में हैं। बट जब अपनी परफॉर्मेंस पे आएगा तो वो एसयूवी वाली फील देगा। तो एक 50-60 लाख रुपए तक की भी गाड़ी अगर मैं कहूँ तो, मतलब आई हैव ओन्ड द बिग थ्री ब्रांड्स में से भी मैंने 2 मर्सिडीज़ और ऑडी रखी है पास्ट में, बट आई वुड से कि इसे रखने से भी मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि कभी कि मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ लाइफ में। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के साथ आपका आंसर मिल गया होगा। और ऑल व्हील ड्राइव एक्सयूवी 7L वेरिएंट ओन करना आपके जेब पर कितना इफेक्टिव पड़ेगा, कितना अच्छा रहेगा आपके लिए, और ये कार क्यों इस वक्त इंडिया में सेंसेशन बनी हुई है, इन सारे सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। तो भैया एंड में कुछ ऑटो जनरल इंडिया फैमिली के लिए आप बोलना चाहते हैं? ऑटो जनरल इंडिया फैमिली के लिए मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि जितनी मेहनत और शिद्दत से ये लोग अनबायस वीडियोस लेके आ रहे हैं कार कंटेंट्स की, मैं और प्रवीण वैसे भी बात करते रहते हैं गाड़ियों के बारे में, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। मैं हर बार कहता हूँ कोई, जैसे हमारे यहाँ बड़े जो एक राइवलरी चलता है, फॉर्चूनर अच्छी कि एंडेवर अच्छी, एक्सयूवी अच्छी कि स्कॉर्पियो अच्छी, ये अच्छा या वो अच्छा, तो हाँ ये ज़रूर है कि कार ब्रांड्स को अलग अलग ब्रांड चीज़ बनानी तो है ही क्योंकि हर किसी की पसंद अलग है। बट हाँ, जिस तरह से अनबायस्ड ये सारी गाड़ियों का रिव्यूज़ लेकर आते हैं वो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आई वुड रिकमेंड पीपल टू फॉलो इट एंड चेक आउट देयर कंटेंट, दे हैव कम अप रियली गुड कंटेंट। एंड आई वुड से हाँ, आई थिंक प्रवीण आप लोग यू कैन हेल्प पीपल ऑल्सो बाइंग न्यू कार्स ना। सो मतलब जैसे किसी को गाड़ी लेनी है, कुछ सुनना समझना है, तो मतलब आई थिंक यू कैन कंटैक्ट देम, दे कैन अंडरस्टैंड योर नीड्स एंड देन विद देयर एक्सपर्टीज दे कैन हेल्प यू चूजिंग द कार। कार कंसल्टेंसी नंबर हमारा 9696925854। कई सारे लोगों ने अपनी कंसल्टेंसी, अपने जो सवाल हैं वो हम पर डाले और हमने उनको एक अच्छा ऑप्शन, एक रिलायबल ऑप्शन दिया। आप भी आज ही जाकर अपनी कार कंसल्टेंसी सर्विस को फ्री में अवेल कर सकते हो। अगली वीडियो तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।